Hello everyone, welcome to Mini Tales. I hope all of you are doing really good. आप अपना और अपने बड़ों का, अपने छोटों का, सबका ध्यान रख रहे होंगे और सेफ होंगे इस कोविड के टाइम पे. ये क्वारंटीन टाइम एक ऐसा टाइम है कि आई डोंट थिंक सो वी गोना गेट इट अगेन. सो मैं आपके लिए एक होम रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि आप लोग अपने ऊपर यूज़ कर सकते हैं फॉर योर स्किन एंड फॉर योर हेल्थ. ये टाइम सबसे अच्छा टाइम है अपने आप को पैम्पर करने का. सो आई हैव गॉट हनी, आई हैव गॉट बनाना एंड विटामिन ई कैप्सूल्स. सो लेट मी टेल यू समथिंग, दिस बनाना इज़ वेरी रिच इन पोटेशियम एंड इन विटामिन ए. ये आपके स्किन की जो ड्राइनेस है वो रिमूव करता है एंड जो भी पैची एरियाज जो होते हैं उसको ये रिमूव करता है. सेकेंड इज़ हनी. आई एम यूजिंग डाबर हनी, यू कैन यूज़ एनी हनी विच इज़ अवेलेबल एट योर होम. सो हनी जो होता है आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है. अभी गर्मियों का टाइम है, आपकी स्किन ऑयली हो जाती है, थोड़ी सी पैची हो जाती है, बट आप उसको आप किसी भी टाइम पे आप ये हनी यूज़ कर सकते हैं. विटामिन ई इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर स्किन. सो अगर आप सोचें कि अगर आप तीनों को आप अपनी स्किन पे लगाएंगे तो इट विल क्रिएट अ वंडर्स. सो व्हाट यू गोना डू इज टेक अ बनाना, पील इट. सो आई हैव ऑलरेडी टेकन वन फॉर मी. आई एम यूजिंग दिस हाफ अ बनाना. आई एम गोना पुट हनी इन टू इट. First, I'm going to mash this banana. And one vitamin E capsule. You can use this capsule like this. You can use a scissor and put that in your paste. You can mix it well. And you can apply this on your skin. You can use it on your face, hands, legs, neck, back, anywhere to make your skin subtle and smooth. And one more thing is, when you're using a banana, definitely you're gonna throw its peel. But let me tell you something. जो बनाना का पील होता है दैट इज़ वेरी रिच एंड वेरी नाइस फॉर योर स्किन एंड योर हेल्थ. इट हैज़ सो मैनी प्रॉपर्टीज़ जो बनाना से भी ज़्यादा होती है. तो सम ऑफ द थिंग्स विच आर बेनिफिशियल बाय दिस बनाना पील इज़ फॉर योर स्किन केयर. आप इसको बनाना को भी अपने फेस पे लगा सकते हैं, बनाना पील को भी अपने ऊपर इसमें लगा सकते हैं. आप इसको ड्राई करके या ऐसे ही अपने बालों में भी लगा सकते हैं. आप अपने स्कैल्प पे इसको ऐसे रब करिए, आप उसमें लगा सकते हैं. आपके जो बाल हैं वो काफ़ी स्मूथ हो जाएंगे इसको लगाने से. इट इज़ बेनिफिशियल इन योर टीथ वाइटनिंग ऑल्सो. एंड आपके अगर सनबर्न होता है या आपके कहीं रैशेज हो जाते हैं, यू कैन इवन पुट दिस. ये उसको रिमूव कर देगा कम्प्लीटली. आप इसको दिन भर में लगाइए, दो तीन दिन में इट गोना रिमूव. और जो आपके हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं लाइक एंड फॉर योर अदर एक्सेसरीज ऑल्सो, इट इज़ गुड इन इन गेटिंग द स्मूथनेस इन योर लेदर बैग्स ऑल्सो. इफ़ यू आर हैविंग पर्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स ऑफ लेदर, आप उस पर आप इससे उसको रब करिए, उसमें भी शाइनिंग वापस आ जाएगी इससे. And not last but not the least, it is rich in gardening also.
आपके घर में अगर प्लांट्स हैं सो आप इसको ड्राई करिए, आप इसको एज अ फर्टिलाइजर भी यूज़ कर सकते हैं. सो बनाना एंड इट्स पील बोथ आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन योर हेयर, इन योर स्किन एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स एज वेल, एंड बहुत सारी चीज़ों में ही यूज़ आ सकता है. आप इसको लगाइए अपने स्किन पे एंड आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ये एंड क्या आपके रिजल्ट्स हैं. थैंक यू सो मच गाइज, होप टू सी यू अगेन. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई एम न्यू टू इट, आई एम जस्ट स्टार्टिंग इट, सो नीड योर सपोर्ट गाइज. थैंक यू, बाय.